हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में 21 जून से 28 जुलाई तक होंगी छुट्टियां। सरकार ने जारी किया शेड्यूल। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूल्स की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी समर क्लोजिंग स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साल भर 52 छुट्टियां मिलेंगी। ग्रीष्मकालीन स्कूल्स के छात्रों को 38 दिन का मॉनसून ब्रेक मिलेगा। ये मॉनसून ब्रेक 21 जून से 28 जुलाई तक रहेगा, यानी आज से दो दिन बाद प्रदेश के समर क्लोजिंग स्कूल्स में 28 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। मैदान क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने उक्त स्कूल्स में 26 के बजाय 21 जून से छुट्टियां दी, ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके। मनाली लेह मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन पलटा, दिल्ली के 4 पर्यटक घायल। मनाली लेह मार्ग पर गेमूर में शनिवार सुबह एक पर्यटक वाहन सड़क पर पलट गया। इस हादसे में 4 पर्यटकों को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार ये पर्यटक वाहन मनाली से बारालाचा की ओर जा रहा था कि तेज गति के कारण गेमूर के पास पलट गया। घायल पर्यटकों की पहचान निशान पुत्र प्रवीण गहलोत, लादम पुत्र प्रदीप, चित्रगुप्त पुत्र कृष्ण व गौरव पुत्र बलवीर के रूप में हुई। सभी युवा पर्यटक दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार गेमूर के पास गाड़ी पलटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं। हिमाचल में बारिश से मौसम सुहावना, 12 डिग्री तक लुढ़का तापमान। हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, इससे मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए आंधी चलने, बिजली गिरने और भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ 21 जून तक सक्रिय रहेगा और अभी भी प्री मॉनसून की वर्षा जारी रहेगी। वर्षा के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई। सबसे अधिक गिरावट पालमपुर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर शिमला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में भी अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विरोध तेज हो गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में विधानसभा से लेकर सीटीओ तक कांग्रेस ने रैली निकाली। इसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बंदर ने महिला से छीना पर्स, खाने को कुछ नहीं मिला तो हवा में उड़ा दिए 10,000 रुपए। बचपन में आपने बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी तो सुनी होगी। कहानी में पेड़ के नीचे आराम करते व्यापारी की बिक्री के लिए ले जाने वाली टोपियों को लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। शनिवार को भी वैसा ही कुछ नजारा राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में दिखा, जब एक बंदर महिला का पर्स लेकर पेड़ पर जा बैठा। पर्स में करीब 10,000 रुपए थे। जब बंदर को पर्स में खाने का सामान नहीं मिला तो रुपयों को नीचे फेंकने लगा। पेड़ के आसपास लोगों का जमघट लग गया। पेड़ के नीचे लोग पैसा इकट्ठा करने लगे। महिला ने कहा कि पूरे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन बड़ा नुकसान होने से बच गया। गांव में शुरू होगी डाक मित्र सेवा, सीएससी से होगी स्पीड पोस्ट और पार्सल। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर में भी लोग अब स्पीड पोस्ट और पार्सल कर सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर ने डाक विभाग के साथ एक करार किया है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर डाक मित्र सेवा शुरू करेगा। योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमी अपने क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पार्सल की बुकिंग करेंगे। सीएम जयराम बोले, अग्निवीरों को पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों में नौकरी में देंगे प्राथमिकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को दूसरे विभागों में भी प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस पर प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है। पुलिस के अलावा होमगार्ड व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को सेना में जोड़ना है। 4 साल की सेवा देने के बाद 25% युवाओं को सेना में आगे जाने का अवसर मिलेगा। ये है हिमाचल के होनहार, जिन्होंने सपनों को दी ऊंची उड़ान, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस टॉपर्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम 93.90% रहा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में 88,013 छात्र बैठे। इनमें 44,851 छात्र और 43,162 छात्राएं हैं। 82,342 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, 327 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहे। बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री बोली, मुझ पर तो केवल इत्तफाक से टॉर्च पड़ी है, रोशनी आसपास भी है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार गीतांजलि श्री ने कहा कि कोई भी पुरस्कार जब मिलता है तो वो बुकर हो या अन्य कोई पुरस्कार, रोशनी फेंकता है। इत्तेफाक से इस बार टॉर्च उनकी कृति पर पड़ी। गीतांजलि बोली, मेरी कृति बंजर जमीन पर नहीं उगी, वो जिस जमीन पर उगी है वहाँ भी रोशनी है, वहाँ मेरे आसपास भी बहुत सी कृतियाँ हैं। टॉर्च की तरफ देखना बंद करें, जहाँ रोशनी पड़ी है वहाँ देखिए। हिमाचल के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में 21 जून से 28 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूल्स की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। बरसात की छुट्टियों को 26 जून से 2 अगस्त तक देने का पुराना फैसला भी बदल दिया गया। छुट्टियों की कुल संख्या 38 ही रखी गई है। किसी का सपना आईएएस, कोई बनना चाहता है डॉक्टर, जानिए टॉपर्स की सफलता की कहानी उन्हीं की जबानी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम 93.90% रहा। कला संकाय में बेटियों ने क्लीन स्वीप कर दिया। मेरिट लिस्ट में पहले 10 स्थानों पर बेटियों ने कब्जा कायम किया। बिलासपुर की वाणी गौतम पहले 98.8% लेकर टॉप किया। कॉमर्स संकाय में पहले 7 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी। तनिषा भारद्वाज 98% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहीं। क्षितिज, शगुन और अक्षिता ने संयुक्त रूप से विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में टॉप किया। एचआरटीसी कर्मियों को तोहफा, छठा वेतनमान लागू, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत वेतन और वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। 3 महीने के भीतर इन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। धर्मशाला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने की। हिमाचल में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। कला संकाय में प्रथम रही बिलासपुर की वाणी, ऑल ओवर टॉपर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शनिवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। तीनों संकायों में 5 टॉपर्स में से 4 छात्राएं और 1 छात्र अव्वल रहा। आर्ट्स में प्रदेश भर में प्रथम आई बिलासपुर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घुमारवी की वाणी गौतम ऑल ओवर टॉपर रही। परीक्षा परिणाम 93.91% रहा। साइंस संकाय में कांगड़ा के ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल समलोटी की शगुन, बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बर्ठी की अक्षिता और हमीरपुर के न्यू पब्लिक स्कूल गोपालपुर के क्षितिज ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।